Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we are going to discuss the definition of members as per section 2, clause 55 of Companies Act 2013, who can be the member of the company and the modes of acquiring the membership of the company. Definition of member is given under section 2, clause 55. Now, मेंबर कौन होता है मेंबर इन रिलेशन टू अ कंपनी मींस फर्स्ट इज सब्सक्राइबर टू दी मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी जब भी हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उसमें सब्सक्राइबर शीट जो बनती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसमें कुछ पर्सन के नाम मैंशन किए जाते हैं जो ये प्रोमिस करते हैं कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी तो वो कंपनी के शेयर्स को परचेज करेंगे अब क्योंकि उन्होंने मेमोरेंडम को साइन किया है तो ये माना जाता है कि वो लोग मेंबर्स बनने के लिए रेडी होते हैं और जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो उनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर कर दिया जाता है तो मेंबर वही कहलाता है कंपनी का जिनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा जाता है नेक्स्ट इज एवरी अदर पर्सन हु एग्रीज इन राइटिंग टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी एंड हुज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी Second, वो पर्सन रेडी हैं एग्रीज इन राइटिंग फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन अपने शेयर्स किसी दूसरे को ट्रांसफर करता है तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट बनता है तो जब एग्रीमेंट बनता है वो एक रिटर्न फॉर्म में होता है और जब शेयर्स को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं तो जो ट्रांसफरी होता है मींस जिसके नाम में उन शेयर्स को ट्रांसफर किया गया है इसीलिए उसका नाम रजिस्टर ऑफ में एंटर कर दिया जाता है थर्ड इज एवरी पर्सन होल्डिंग शेयर ऑफ द कंपनी एंड इज एंटर्ड एज अ बेनिफिशियल ओनर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ डिपोजिट्री अब सपोज किसी कंपनी के शेयर्स फिज़िकल फॉर्म में हैं तो उनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर कर दिया जाता है बट अगर किसी कंपनी के शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं तो उस केस में जो रजिस्टर ऑफ मेंबर होता है कंपनी का उसमें डिपॉजिटरी का नाम एंटर किया जाता है तो अगर और डिपॉजिटरी के रजिस्टर में उस बेनिफिशियल ओनर का नाम होता है जो तो शेयर्स को तो परचेज करता है तो जो भी डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड्स में नाम जिसका मेंशन किया गया होगा वही मेंबर कहलाएगा कंपनी का मींस अगर शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में डिपॉजिटरी का नाम होता है बट डिपॉजिटरी के रजिस्टर में उस बेनिफिशियल ओनर का नाम लिखा जाता है तो डिपॉजिटरी के रजिस्टर में जिस बेनिफिशियल ओनर का नाम लिखा जाएगा वो कंपनी का मेम्बर कहलाता है नेक्स्ट इज मोड्स ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप अब कोई पर्सन किसी कंपनी का मेंबर कैसे बन सकता है फर्स्ट इज सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया सब्सक्राइबर्स वो होते हैं जो कंपनी के इनकॉरपोरेशन के टाइम पे उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सब्सक्राइबर शीट पर साइन करते हैं और एक प्रॉमिस करते हैं कि वो कंपनी के शेयर्स को परचेज करेंगे और जब कंपनी इनकॉरपोरेट हो जाती है तो उनका नाम रजिस्टर ऑफ मेम्बर्स में एंटर कर दिया जाता है नेक्स्ट इज बाय एग्रीमेंट इन राइटिंग नाउ फर्स्ट इज बाय एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जब कोई पर्सन शेयर्स के लिए अप्लाई करता है किसी को किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करने हैं तो उसके पहले जब वो पर्सन कंपनी को एप्लीकेशन देता है शेयर्स को परचेज करने की और जब कंपनी उसको शेयर्स अलॉट कर देती है तो अलॉटमेंट के टाइम पे उसको एक नोटिस ऑफ अलॉटमेंट इशू किया जाता है और उसके बाद उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेम्बर्स में एंटर कर दिया जाता है हुआ क्योंकि क्योंकि person ने shares को apply किया, means उन्होंने offer दिया shares को किया उन्होंने दिया करने का और ऑफर की एक्सेप्टेंस की कंपनी ने उनको शेयर्स अलॉट करने के अलॉट करके नेक्स्ट इज बाय ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ये भी एक एग्जाम्पल है एग्रीमेंट इन राइटिंग का जब कोई पर्सन अपने शेयर्स किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करता है तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है शेयर्स को ट्रांसफ़र करने का और एक प्रॉपर ट्रांसफ़र डीड बनती है तो जब अब जब शेयर्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो जो ट्रांसफ़र ही होता है मींस जो शेयर्स को एक्वायर करता है जो परचेज करता है उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर कर दिया जाता है और एक एग्रीमेंट के थ्रू वो कंपनी का मेंबर बन जाता है शेयर्स को परचेज करके नेक्स्ट इज बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स जब भी किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके शेयर्स ऑटोमेटिकली उसके नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं तो जब उसके शेयर्स उसके नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे तो जो नॉमिनी होगा उसका नाम अब रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर कर दिया जाएगा तो इस तरह वो नॉमिनी कंपनी का मेंबर बन जाता है अगर आपने कोई भी statement दिया है पहले तो आप उस स्टेटमेंट से नहीं मुकर सकते हैं मीन्स सपोज यहाँ पे कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको पता है कि वो मेंबर अब नहीं है बट फिर भी उसका नाम रजिस्टर ऑफ में एंटर होता है और वो पर्सन ऐसा होने देता है विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज इसको बोलते हैं एस्टॉपल मींस बिना बिना पर्सन हुए मेंबर वो मेंबर बन जाता है फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन ने अपने शेयर्स किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दिए सपोज ए ने शेयर्स बी को ट्रांसफर कर दिए अब ट्रांसफर डीड के बनने के बाद और शेयर ट्रांसफ़र होने के बाद रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में से ए का नाम हट जाना चाहिए और बी का नाम लिख जाना चाहिए बट हुआ क्या कि बी का नाम तो लिख गया बट ए का नाम नहीं नहीं हटा और ए ये चीज़ जानता है और ए ने इस चीज़ को नहीं रोका तो ए माना जाएगा एक मेंबर डीम्ड टू बी मेंबर एक ऐसा मेंबर जिसने अपनी मेंबरशिप को कंटिन्यू रखा और उसने इस गलत फैक्ट को नहीं रोका नेक्स्ट इज बाय होल्डिंग शेयर्स एज अ बेनिफिशियली ओनर इन द डिपॉजिटरी रिकॉर्ड तो जिस तरह से रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर होने से नाम एक पर्सन कंपनी का मेंबर बन जाता है उसी तरह से अगर उस कंपनी के शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में तो डिपॉजिटरी का नाम आता है बट डिपॉजिटरी में जो डिपॉजिटरी का जो रजिस्टर होता है उसके रजिस्टर में बेनिफिशियल ओनर का नाम आता है मतलब वो पर्सन जिसने शेयर्स कंपनी के एक्वायर कर रखे हैं उसका नाम आता है तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के केस में डिपॉजिटरी रजिस्टर में जिस भी पर्सन का नाम होगा एज अ बेनिफिशियल ओनर वो कंपनी का मेंबर माना जाएगा थैंक यू सो मच स्टे कनेक्टेड फॉर फर्दर वीडियोस